इनफाइनाइट सीरीज, ठीक, कुछ नहीं, सिंपल सा। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस दिया गया है तो सीक्वेंस जैसे हम लोग लिख देते हैं 2, 4, 6, 8, इसके बाद फिर हम लोगों ने लिख दिया 10 up to so on, या प्राइम नंबर का सीक्वेंस बना लेते हैं। प्राइम नंबर में पहला प्राइम 2, फिर 3, फिर अगला कौन हो जाएगा 5, अगला हो जाएगा 7, अप टू सो ऑन, ठीक। या आप ये वाला सीक्वेंस बना लो 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, अप टू सो ऑन, ये सीक्वेंस बना लो। तो ये जो सीक्वेंस निकल करके आए, इनके जो टर्म लिखे जा रहे हैं, इन टर्म आप रिपीटेड बना लो, 2, 2, 2, so on, आप ये बना लो 0, 0, 0, up to so on, ये बना लिया। अब ये सारे सीक्वेंस हैं, हर सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म कितने हो रहे हैं, इनफाइनाइट हो रहे हैं, होते ही होते हैं, ठीक। हम लोग जैसा सीक्वेंस पढ़ रहे हैं सारे नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है। अगर हम इसमें एक व्यवस्था तैयार करें, सारे टर्म के बीच में या तो प्लस या तो माइनस साइन डाल दें, या जो मर्जी वो डाल दें, साइन डाल दें बस, खाली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये सारे सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, सीरीज। और हर सीरीज के पास नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक। जैसे हम इनके बीच में प्लस कर दें तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + up to so on, ये बन गया। इनको देख लो 2 + 3 + 5 + 7 + up to so on, इनको करें तो 1 + 1 upon 2 + 1 upon 3 + 1 upon 4 + up to so on, इनको करें तो 2 + 2 + 2 + up to so on, 0 + 0 + 0 up to so on। तो अब जब आप सीक्वेंस के टर्म को आपस में ऐड कर देते हो, ठीक, अब ऐड आप कैसे करोगे, प्लस साइन भी डाल सकते हो, माइनस भी डाल सकते हो, ठीक है। तो आप प्लस माइनस साइन डाल करके इनके सारे टर्म को आपस में जोड़ देते हो, ऐड कर देते हो, तो जो व्यवस्था तैयार होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। और वो कितने टर्म की सीरीज होती है, इनफाइनाइट टर्म की। लेकिन जैसे सीक्वेंस के पास दोहरे नेचर होते हैं कि या तो सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट होगा या तो सीक्वेंस आपका डाइवर्जेंट होगा, वैसे सामने वाला देख करके सवाल उठा सकता है कि भाई आपने जिनको जोड़ दिया, जुड़ रहे हैं तो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं तो क्या कितना बढ़ेंगे, क्या उनका जोड़ इनफाइनाइट आप नहीं निकाल पाओगे, उसको आप प्लस इंफिनिटी कर दोगे, या आप माइनस टर्म वाली जैसे -2, -3, -5, -7, तो क्या इनका जब आप जोड़ करोगे तो माइनस इंफिनिटी तक जाओगे या कहीं चल करते हुए रुक जाओगे। तो सवाल उठता है कि क्या सीरीज में भी ऐसा होता है कि सीरीज का जोड़, अब सीरीज को कन्वर्जेंट क्यों कहा जाता है, एक इनफाइनाइट टर्म की आपने सीरीज ले ली, अब सीरीज का मतलब है सीक्वेंस के टर्म को आपस में जोड़ दिया गया, आपने इनफाइनाइट टर्म की एक सीरीज ले ली, भले उसमें टर्म इनफाइनाइट है लेकिन एक हैसियत के बाद वो जोड़ और आगे ना जा पाए तो आपकी सीरीज थमती नजर आती, रुकती नजर आती, दैट्स कॉल्ड द कन्वर्जेंट सीरीज। लेकिन अगर वो नहीं रुकती नजर आती है, लगातार चल रही है, तो वो क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज। या वो कहीं रुके ना बल्कि फाइनाइटली इधर उधर जिगजैग मोशन करना चालू कर दे तो भी वो डाइवर्जेंट है, ऑक्सिलेटिंग में जा जाएगी। तो सामने वाले के पास ये एक सवाल बन जाता है कि अगर आप सीरीज बना रहे हो तो सीरीज का नेचर क्या होगा, कन्वर्जेंट का या डाइवर्जेंट का, दैट्स कॉल्ड द बिहेवियर ऑफ अ सीरीज। अब ये सब कुछ यहां पर पढ़ेंगे। अब तक सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी देख चुके हैं, फिर विडंबना यह है कि जब आप कोई नई बात शुरू करते हो और आपको नई बात पढ़ने के लिए कोई नई थ्योरी नहीं है, तो हम करते क्या, उस नई बात को उस पुरानी जगह पर लेकर के जाते हैं जो आज तक हमको आ रहा होता है। तो जब हमको सीरीज के बारे में पढ़ना होगा तो हम सीरीज को खींच करके किसमें कन्वर्ट कर रहे होंगे, सीक्वेंस में कन्वर्ट कर रहे होंगे, मतलब हम सीरीज का भी क्या बनाएंगे, सीक्वेंस बनाएंगे। और जब सीरीज की मदद से सीक्वेंस बनाएंगे तो उस सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी निकालना हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं, तो वहां से हम अपने सीरीज के बारे में बात करेंगे, मेरी सीरीज कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी। शुरुआत करना, लिखना, इनफाइनाइट सीरीज इज द समेशन ऑफ, डबल स्टार करके लिखना, इनफाइनाइट सीरीज इज द समेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स या ऑल टर्म्स आप बोल सकते हो, ऑल एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीरीज इज द समेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस में जितने एलिमेंट होते हैं उनका सम ही क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज कहलाते हैं, ठीक। दैट इज, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि इफ, यदि सीक्वेंस इज
इफ सीक्वेंस इज सीक्वेंस यू वन कॉमा यू टू कॉमा यू थ्री अप टू सो ऑन देन यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस यू एन प्लस अप टू सो ऑन दैट इज अर्थात समेशन आई वेरी फ्रॉम वन टू एन यू आई नहीं वन टू इंफिनिटी यू आई इज अ सीरीज is a series. ठीक अगर number of term finite हुए तो finite series, number of term infinite हुए तो infinite series. इस बात को नीचे लिखना. when number of terms are पहला finite then it is finite series तब ये आपकी कैसी सीरीज होगी फाइनाइट. ठीक नोटेशन यहीं पर लिख देना नोटेशन और इसका नोटेशन होता है समेशन यू आई और आई वेरी फ्रॉम वन से कहां तक एन तक. और अगर यही नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएं इनफाइनाइट देन इट इज इनफाइनाइट सीरीज इट इज एन इनफाइनाइट सीरीज इट इज एन इनफाइनाइट सीरीज नोटेशन इसका दिया जाएगा समेशन I vary from 1 to infinity UI. अब इनका बिहेवियर जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना एक सीक्वेंस बनाएंगे और सीक्वेंस किसका होगा जोड़ का होगा सम का सीक्वेंस होगा. वो जो सम का सीक्वेंस होगा ना उसमें सम भी ऐसा नहीं कि इकट्ठे पूरा सम कर दिया टुकड़े 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 छोटे छोटे टुकड़े का सम देंगे इसीलिए उसको कहा जाता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कहा जाता है. ये हो जाए तो मिटाए जाएंगे आपकी डस्टर से मिटाएंगे ना सही जाएगा. ये कौन है 2 hours इसको यूज करते हैं देखते हैं पहले एक आता था इसी में अभी भी आता है मैग्नेट वाला बीच में मैग्नेट लगा होता है बोर्ड पे चिपका दो कहीं भी चिपका दो कहीं भी पूरे बोर्ड पे कहीं भी मेटल होता है नीचे बोर्ड में अरे बड़ा महंगा आता है 18,000-20,000 का बोर्ड आता है जैसे ये जितना बड़ा ये है इतना बड़ा बोर्ड 18,000 का पड़ेगा वो नहीं उस पर ना लिखो अगर उस पर बहुत स्मूथ चौक चलती है बहुत स्मूथ ना नीचे मेटल शीट डाले होते ना बड़ा भारी भी होता है वो. हाँ अरे उनका वो है स्लाइडर है यार खटाखट वो मार्कर रहता है वो मार्कर से लिखते हैं साथ नहीं मिटाएगा ये हाँ बस चिल्ला रहा है. झगड़ा करने वाले दो तरह के प्राणी होते ना मार डर अब काट डर अब हाँ अरे साउथ की मूवी वाले डायलॉग बड़ा अच्छा बात है तुम जानता नहीं है मैं वो बम हूँ जो फटने से पहले आवाज नहीं करता क्यों हिला डाला ना उनका सीन अलग होता है लिखना फिर डबल स्टार कर हेडिंग वेडिंग नहीं डाल रहे पार्शियल सम वगैरह ना बताते चल रहे हैं जहां पार्शियल सम आएगा ब्लैक पेन से लिख देना लिखा इन आप एक सीरीज लिखो सीरीज है यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू फोर प्लस अप टू सो ऑन प्लस यू एन प्लस अप टू सो ऑन. ठीक अगर ये सीरीज आपको दी गई ये सीरीज दी गई है तो केवल और केवल पहला टुकड़ा उठाओ ये एक एलिमेंट का सम है इसको हम क्या कहेंगे एस वन एस फॉर सम वन फॉर केवल फर्स्ट टर्म का सम. अब पहला और दूसरा इन दोनों का जोड़ दो इन दोनों का जो जोड़ आएगा क्योंकि वो शुरू के दो टर्म का जोड़ है उसको हम नाम देंगे एस टू. टू जो नीचे लिखा हुआ सफिक्स ये बताता है कि शुरू से कितने टर्म जोड़े गए हैं और एस फॉर सम. ठीक
अब इसी तरीके से पहला, दूसरा और तीसरा, इनका जोड़ आपका क्या कहलाएगा? S3 कहलाएगा। तो इसी तरह से U1 से ले करके और इनिशियल के एंड टर्म तक का जोड़ आपका क्या हो जाएगा? S3 कहलाएगा। तो अब आप इनका एक सीक्वेंस बना लो, यानी सीक्वेंस जिसका पहला टर्म है S1 यानी U1, दूसरा टर्म है S2 यानी U1 प्लस U2, तीसरा टर्म है S3 यानी U1 प्लस U2 प्लस U3। ये हमारा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कहलाएगा। ठीक, दीज आर नोन एज पार्शियल सम, ये जो लिखे गए हैं ये पार्शियल सम कहलाते हैं। लिखना, SN इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कॉल्ड nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज समेशन UN। यह हमारी सीरीज का nth पार्शियल सम कहलाता है। अभी सीक्वेंस नहीं बनाए, अभी केवल पार्शियल सम को डिफाइन किए हैं। ठीक, अब लिखना फिर डबल स्टार बना करके, सीक्वेंस SN दैट इज, अर्थात सीक्वेंस जिसका पहला टर्म है S1, दूसरा टर्म है S2, ठीक, अप टू सो ऑन, लास्ट का टर्म SN, लास्ट क्या nth टर्म SN अप टू सो ऑन, दैट इज, अर्थात सीक्वेंस पहला टर्म S1, S1 का मतलब कौन? U1, दूसरा टर्म S2, S2 का मतलब U1 प्लस U2, S3, S3 का मतलब U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू सो ऑन। ये जो सीक्वेंस बन करके आ रहा है नोन एज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज समेशन UN। यह हमारी सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका हर मेंबर खुद में कौन है? एक पार्शियल सम है। अब अगर किसी सीरीज का पार्शियल सम का जो सीक्वेंस बन रहा है ये कन्वर्जेंट हुआ तो सीरीज कन्वर्जेंट, और अगर ये डाइवर्जेंट हुआ तो सीरीज क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो हम इसको खींच करके लेकर आए, मैंने कोई नई चीज नहीं पढ़ी, जो नई चीज सामने आई उसको भी खींच करके लेकर के आगे किसमें, पुरानी व्यवस्था में जो आज तक हम जानते आए हैं। तो इफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट देन आवर मेन सीरीज इज कन्वर्जेंट, इफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेंट देन मेन सीरीज इज आल्सो डाइवर्जेंट। कौन से? वो भी ऑक्सिलेट कर जाएगा। हाँ, वो सेम नेचर है। खो दीजिए पूरा एक बार हेडिंग नहीं, रुको, बीच में ऐसे लिखना, बिहेवियर ऑफ समेशन UN, सीरीज का बिहेवियर बताने चल रहे हैं, बिहेवियर ऑफ समेशन UN n वेरी फ्रॉम 1 to infinity, किसी इनफाइनाइट सीरीज के बिहेवियर की बात कर रहे हैं। ठीक, इसमें लिखना, समेशन n वेरी फ्रॉम 1 to infinity UN, ये रहा। ठीक, ये आपकी जो इनफाइनाइट सीरीज बन रही है ये कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेस इफ, यदि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम SN कन्वर्ज, अगर आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो आपकी सीरीज भी क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, दैट इज, अर्थात इफ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी SN इज इक्वल टू फाइनाइट। दूसरी बात, ये आपकी डाइवर्स करेंगे, डाइवर्जेंट इफ हमारी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, मतलब इस सीरीज का सम बढ़ता चला जाएगा या घटता चला जाएगा, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आएगा या ऑक्सिलेट कर जाएगा, ऑक्सिलेट अलग से कर देंगे, अभी हम प्रॉपर डाइवर्जेंट में प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ले रहे हैं। डाइवर्जेंट इफ सीक्वेंस SN ठीक इज डाइवर्जेंट,
अगर पार्शियल सम का जो सीक्वेंस बन रहा है वो डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। दैट इज, अर्थात इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी और अथवा माइनस इंफिनिटी, इन दो में से कोई भी एक आता है तो आपका मीन सीरीज भी क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। और इसी तरह से तीसरा ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट्स इफ यदि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट की स्पेलिंग गलत कर रहे हैं क्या? डबल एस होगा, सिंगल एस होगा ना, डबल एस सिंगल एस, डबल एस पक्का, तो ऊपर गलत कर दिया यार, सिंगल एस रहेगा ना, डबल एस। अरे यार बड़ी कंफ्यूजन हो गई, डबल एस बार बार क्यों याद आ रहा है दिमाग में हर जगह पर? नहीं, डबल एस होता है कि सिंगल होता है, ये चेक करो, हम भूल गए तुरंत, अचानक से मिस हुआ। बताओ अंग्रेजी नहीं आ रही है, ऐसे ऐसे मास्टर हो गए हैं आजकल। सिंगल एस होगा ना, अरे तुम सही लिख रहे थे, हम सही मास्टर थे। ऑक्सिलेट ठीक, ब्रैकेट में लिखना, फाइनाइटली, फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, चाहे ये फाइनाइटली ऑक्सिलेट करे और चाहे इनफाइनाइटली ऑक्सिलेट करे। मीन्स जैसा बिहेवियर मेरे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का होगा ठीक वैसा ही बिहेवियर किसका होगा? दी गई सीरीज का होगा। होगा नोट लगाना, मिटा दिया जाए। अगर हमको एक सीरीज दी गई है वो सीरीज कन्वर्जेंट है, मान लो अब सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी? जब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगा। तो मान लो समेशन un n वेरी फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी सीरीज दी गई, और अब पता चलता है इसके लिए जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आएगा वो कैसा होगा? कन्वर्जेंट। तो सीरीज भी कैसी? कन्वर्जेंट। अगर मेरी सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसमें कुछ टर्म का साइन चेंज कर देने पर या सारे टर्म का साइन चेंज कर देने पर भी उसकी कन्वर्जेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पूरी सीरीज पॉजिटिव टर्म की है और कन्वर्जेंट है, उसमें से कुछ टर्म को नेगेटिव कर दो तब भी वो कन्वर्जेंट रहेगी। जहां कन्वर्ज होगी उसकी बात नहीं है कि कहां कन्वर्ज होगी, वो बदल भी सकता है। भाई पूरी सीरीज पॉजिटिव टर्म की आप सबको नेगेटिव कर दो, लिमिट पलट सकती है, पलट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ठीक। तो अगर आपकी सीरीज सारे पॉजिटिव टर्म रख करके एल पर कन्वर्ज करती है तो आप सारे टर्म को नेगेटिव कर दो या कुछ टर्म को नेगेटिव कर दो तब भी आपकी सीरीज कन्वर्जेंट ही होगी, लिमिट क्या रहेगी इसको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ? पहला रिमार्क यही लिखना नोट। नोट, नोट में पहला, इफ यदि समेशन एन वेरी फ्रॉम वन टू इंफिनिटी यू एन इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट व्हेन व्हेन ऑल यू आईज, व्हेन ऑल यू आईज ग्रेटर देन जीरो, देन जब आपकी सीरीज में सारे टर्म कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। यानी पूरी सीरीज का हर टर्म पॉजिटिव है उसके बावजूद भी आपकी सीरीज क्या कर रही है? कन्वर्जेंट हो रही है ठीक। देन समेशन एन वेरी फ्रॉम वन टू इंफिनिटी यू एन इज कन्वर्जेंट, तब हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी व्हेन, जब व्हेन सम और ऑल, कुछ या सभी, सम और ऑल यू आईज जितने भी टर्म है उन सभी को यू आईज टेकन नेगेटिवली, आप नेगेटिव कर दो, taken
नेगेटिवली टेकन नेगेटिवली, ठीक। अगर सारे यूआई पॉजिटिव हैं और सारे यूआई पॉजिटिव होने के बाद आप उनमें से कुछ को या सबको नेगेटिव कर दो, तब पर भी आपकी सीरीज क्या बनी रहेगी, कन्वर्जेंट बनी रहेगी। नोट नंबर दो लिखना। सेकंड, द कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी और डाइवर्जेंसी ऑफ अ सीरीज इज नॉट अफेक्टेड, बिल्कुल प्रभावित नहीं होती है, इज नॉट अफेक्टेड बाई अल्टरिंग कॉमा एडिंग or neglecting a finite number of its terms. अल्टर का मतलब बदल देना, ठीक। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है उसके कुछ टर्म को बदल दिया जाए, कुछ फाइनाइट टर्म को बदल जाए, सबको नहीं बदलना है, कुछ फाइनाइट टर्म को बदल दिया जाए या उसमें कुछ और फाइनाइट टर्म ऐड कर दिया जाए या उसमें से कुछ फाइनाइट टर्म निकाल दिए जाए, कन्वर्जेंट थी तो कन्वर्जेंट रहेगी। अगर एक सीरीज डाइवर्जेंट नेचर की है, मतलब उसका जोड़ या तो प्लस इंफिनिटी या तो माइनस इंफिनिटी आ रहा है, अगर मेरी सीरीज डाइवर्जेंट है तो उसमें कुछ टर्म को बदल दिया जाए या कुछ टर्म मिला दिए जाए या कुछ टर्म को निकाल दिया जाए, उससे उसके नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द बिहेवियर ऑफ कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी इज टोटली अनअफेक्टेड बाय अल्टरिंग एडिंग और नेग्लेक्टिंग सम फाइनाइट टर्म्स इन आवर सीरीज। क्लियर हुआ? इसके बाद लिखना। लेकिन सबकी बात नहीं है, केवल कुछ फाइनाइट टर्म की ही बात है। एक कॉन्स्टेंट सिक्वेंस ले लो, 0000000 कन्वर्जेंट है, पूरे का जोड़ हर बार कितना बैठेगा, जीरो बैठेगा। अब आप एक काम करो, आप सबको बदल दो, जितने टर्म है सबको बदल दो, 1111111111 कर दो, अब क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट नेचर आ जाएगा। क्यों? अब वन कितनी बार जुड़ रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स, तो लिमिट भी कितनी जाएगी, इनफाइनाइट टाइम्स जाएगी। क्लियर हुआ? तो सब नहीं बदलना है, कुछ टर्म को बदल दोगे कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे आपके सीक्वेंस में आपने 10 बार वन पुट कर दिया तो जोड़ कितना आएगा, 10 आएगा, कन्वर्जेंट तो आ रहा है ना, लिमिट बदल गई उससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने लिमिट के ऊपर बात भी नहीं की है, ठीक। जोड़ कितना आएगा, लिमिट आने का मतलब है अप्रोक्सीमेट जोड़ लगभग कितना आएगा आपका, ठीक, तो उसमें कोई बात नहीं होगी, वो चेंज हो जाए चलेगा, लेकिन बिहेवियर ऑफ कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी ये आपका चेंज होने वाला नहीं है, ठीक। इसके बाद लिखना थर्ड लिखना, दो हुए है ना, थर्ड में लिखना, द कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी the convergence or divergence of a series ठीक, is not affected by the multiplication of the series by a fixed non-zero number। अगर आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है, आप उसके नॉट अफेक्टेड बाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दी टर्म्स ऑफ द सीरीज, आप उसके जितने टर्म है उन सारे टर्म में किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, यानी सब पे अलग अलग कर दो। जैसे आपने 5 चुन लिया, आप जितने टर्म है इनफाइनाइट टर्म है सब पर 5 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर सीरीज पहले डाइवर्जेंट थी तो अभी भी डाइवर्जेंट ही रहेगी,
आप सब पर क्या मल्टीप्लाई कर दो, पांच का मल्टीप्लाई करो, अगर पहले कन्वर्जेंट तो अब भी क्या रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी, लेकिन ये नंबर कैसा होना चाहिए, बाई अ फिक्स्ड कहां गया, नॉन जीरो नंबर, शर्त है नॉन जीरो। अगर वो नंबर जीरो हो गया ना, बहुत बुरा असर डालेगा, जीरो होने के बाद वो डाइवर्जेंट वाले को भी क्या कर देगा, कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट वाला तो बेचारा कन्वर्जेंट रहेगा ही रहेगा। क्लियर हुआ? तो किसी भी सीरीज का बिहेवियर दो बार कतई नहीं बदलता, सारी सीरीज पॉजिटिव टर्म की है, सारी सीरीज पॉजिटिव टर्म की है, कन्वर्जेंट है, कुछ टर्म को पॉजिटिव या नेगेटिव कर देने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब पॉजिटिव तो है ही है, कुछ टर्म नेगेटिव कर देने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरी सीरीज नेगेटिव टर्म की है, पूरी सीरीज नेगेटिव टर्म की है, सबको पॉजिटिव कर दो फर्क आएगा। ठीक, ये हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी में, ये हम लोग किसमें पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी। वहां पर कहते हैं ना, अगर कोई सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, एब्सोल्यूट का मतलब ना आप उसके ऊपर से पूरी नेगेटिविटी खत्म कर दो, सारे टर्म उसके नेगेटिव तो सबको पॉजिटिव कर दो, कुछ नेगेटिव तो उनको भी पॉजिटिव कर दो। अगर कोई एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज है तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, लेकिन कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसीलिए जो पहली बात लिखी गई है नोट में, वो हमेशा पॉजिटिव के लिए होल्ड की जा रही है, कि अगर सारे टर्म पॉजिटिव है तो उनमें से कुछ को नेगेटिव कर देने से आपके कन्वर्जेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट रहोगे, कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही रहोगे। ठीक, इसी तरीके से फिर दूसरा निकल करके आया कि कुछ टर्म को बदल देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा आ रहा है कि अगर आप एक पर्टिकुलर नॉन जीरो नंबर से सब पे मल्टीप्लाई कर देते हो तो भी कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी के नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुई इतनी बातें? इसके बाद एक प्रॉब्लम उठा रहे हैं छोटी सी, अभी कोई खास थ्योरी नहीं है, अभी केवल प्रॉब्लम उठा रहे हैं, जो सबसे हल्की प्रॉब्लम है ना वो दिखा रहे हैं, सीक्वेंस से कैसे इनको बता रहे हैं कि हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल्स हमको डाइवर्जेंट बोल देंगे तो मेरी सीरीज भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सब मेरा कन्वर्जेंट हो जाएगा तो सीरीज भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। प्रॉब्लम लिखना, प्रॉब्लम, सो दैट द सीरीज 1+3+5+7+up to so on ठीक इज डाइवर्जेंट। आप दिखाइए कि ये जो सीरीज बन रही है ये सीरीज कैसी होगी डाइवर्जेंट। तुरंत हम इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बना लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले ना एस एन निकाल लो। एस एन इज इक्वल टू, एस एन कौन होता है, फर्स्ट से लेकर के एन टर्म तक का जोड़ होता है। तो ये बताओ पहला टर्म कितना 1, दूसरा टर्म कितना 3, तीसरा कितना 5, अप टू सो ऑन, सारे ऑड टर्म है कि नहीं, तो nth टर्म कौन होगा 2n-1। क्लियर हुआ कि नहीं, इन लोगों को ले लिया। ठीक, ये है कौन, क्या इनमें तुमको सबके बीच में दो दो का अंतर दिख रहा है कि नहीं, तो क्या एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वेयर, जहां पर फर्स्ट टर्म a बराबर कितना है 1 और कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस d बराबर कितना है 2 है, तो इसका सम कितना होगा, दिस इंप्लाइज दैट sn इज इक्वल टू बोलो n/2। ठीक, a 2a 2a+n-1 इंटू डी, यानी दिस इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर में 2a यानी 2+n-1 इंटू कितना 2, कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू n/2 बाहर, यहां से 2n-2 -2+2 कैंसिल आउट हुआ और फिर ये हुआ इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, दिस इज इक्वल टू कितना n2, sn इज इक्वल टू n2। अब चेक कर लो इसकी लिमिट कितनी आएगी, देयरफॉर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी sn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n2 दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंप्लाइज दैट सीक्वेंस sn इज डाइवर्जेंट। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कैसा हो गया, डाइवर्जेंट। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेंट है तो मेन सीरीज भी कैसी होगी, डाइवर्जेंट। सो इसलिए 1+3+5+7+2 so on इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, ये सीरीज भी कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। नोट कर लो, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम,
प्रॉब्लम, डिस्कस डिस्कस द कन्वर्जेंस, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज वन अपॉन वन इंटू थ्री प्लस वन अपॉन टू इंटू फोर प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फाइव प्लस वन अपॉन फोर इंटू सिक्स प्लस अप टू सो ऑन। ये सीरीज आपको दी गई, इनफाइनाइट टर्म है इस सीरीज में। कह रहे हैं कि आप बताइए इसकी कन्वर्जेंसी की चर्चा कीजिए कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज। कन्वर्ज करने का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, कन्वर्ज करने का कॉन्सेप्ट यह है कि इसमें जितने इनफाइनाइट टर्म्स लिखे जा रहे हैं, जिस दिन इनको जोड़ा जाने लगेगा तो ये पर्टिकुलर एक नंबर तक जाकर के ठहरते हुए नजर आ रहे होंगे कि बस भैया इनका जोड़ चलो 10, 15, 20, 50 इसके ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक उतने तक रुक जाएंगे। भले इनफाइनाइट टर्म है लेकिन फील आना शुरू हो जाएगा कि उतने तक रुक जाएंगे। जैसे हम कहें 1.9, अगली बार कहें 1.99, अगली बार करें 1.999, फिर करें 1.9999, तो तुमको ये पता है कि हम बढ़ रहे हैं लेकिन मेरी हैसियत दो तक ही पहुंचने की है, उससे ज्यादा नहीं है। तो फील ये आ रहा है कि हम दो तक जा करके रुक सकते हैं, तो हम कन्वर्जेंट होंगे किस पर, एट टू पर कहे जा रहे हैं। इसी तरह जिस दिन ये पूरे इनफाइनाइट टर्म को जोड़ा जाएगा तो ये पर्टिकुलर किसी एक फिक्स नंबर की तरफ रुकते नजर आए तो आपकी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। और अगर ना रुकते नजर आए तो इनका जोड़ कितना बैठेगा, इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएंगे, डाइवर्जेंट या माइनस इनफाइनाइट हो जाए या ऑक्सीलेट कर जाए। तो इसकी चर्चा करनी, पहले इनको सिस्टमैटिक करके इसका nth टर्म निकाल लो। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखना क्लियरली, स्पष्टता क्लियरली, यू एन इज इक्वल टू, बोलो ये है यू वन, यू वन में एक है, यू टू में दो है, यू थ्री में तीन है, यू फोर में चार है, तो यू एन में वन अपॉन, सबसे पहले तो एन ही होगा, अब एक के बाद फिर कौन है तीन, इसके बाद फिर दो ज्यादा है, दो के बाद दो ज्यादा है, तीन के बाद फिर दो ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा एन प्लस टू, लिखा जा सकता है कि नहीं, लिख सकते हैं। और गौर करो अगर हम इसको ब्रेक करें तो वन अपॉन टू बाहर आया, ब्रेकेट के अंदर में वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू, एलसीएम लो, एन इंटू एन प्लस टू, एन से एन कटेगा, ऊपर आया एन प्लस टू, यहां आया माइनस एन, बचा खाली दो, दो से दो काट दिया, क्लियर हुआ, तो पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। अब चलो यहां से U1, U2, U3 इनका जोड़ करके UN देखते हैं कि आखिरकार समेशन UN कितना आएगा। समेशन UN क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल्स हम बनाना है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल्स हम क्या कहता है, शुरू से लेकर के nth टर्म तक का जोड़, वही आपका कौन बनेगा, SN बनेगा, यानी SN होगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN, ये पूरा करोगे तो तुम्हारा SN बनेगा। उसको निकालने के लिए पहले आप U1 निकालो, तो U1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, चलो भैया एन बराबर एक रखो तो कितना आया 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन कितना 3, ये रहा। U2 निकालो, U2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, एन बराबर 2 रखो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4, ठीक। इसके बाद U2 के बाद U3 लिख लो 1 अपॉन 2, 3 रख रहे हैं 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 2 5, और इस तरीके से चलते हुए ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, सो ऑन, ठीक। अब एक काम करना, यू एन चाहे लिखो चाहे पहले कुछ और आगे लिख लेते हैं, यू एन माइनस वन लिख लो चाहे यू एन माइनस टू, जो तुम्हारा मन, इज इक्वल टू वन अपॉन टू, नकल बैठाना, वन है तो वन, टू है तो टू, थ्री है तो थ्री, तो एन माइनस टू है तो वन अपॉन एन माइनस टू, तो वन अपॉन एन माइनस टू, क्लियर हुआ। इसके बाद फिर माइनस, अगले वाले में दो ज्यादा हो रहा है, एक तो दो ज्यादा, दो फिर दो ज्यादा, ये यहीं से देख लो n है तो n प्लस टू है, तो ये है n माइनस टू, तो वहां पर n माइनस टू प्लस टू यानी वन अपॉन n, ठीक। अब तुमको पता चल रहा है एक दो तीन बढ़ते बढ़ते, तो अगर हम यहां पर लिखें यू एन माइनस वन तो क्या लिखेंगे, वन अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर में वन अपॉन एन माइनस वन, फिर माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, दो ज्यादा, और लास्ट में लिख दो यू एन, भैया यू एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू, आ तो रहा है ये, बस और चाहिए नहीं, बगल में लिख देंगे जोड़ वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस,
अब लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट जोड़ दो, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस सो ऑन प्लस un इज इक्वल टू। चलो भैया कुछ ना कुछ तो कटता पिटता नजर आएगा, आएगा तुमको ना, देखो 1/3 से कटेगा, तो ये 1/4 यहां नीचे बैठे हुए 1/4 से कटेगा, तो ये 1/5 भी कहीं ना कहीं नीचे बैठे 1/5 से कटेगा, तो ये वाला 1/n ये इससे कटेगा, ये वाला यहां किसी से कटेगा, सही है। आ, 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 कुछ जल्दबाजी में कर दिए, 1/n ये 1/n-1 था, उड़ा दिए, इसको उड़ाना था ना, जल्दबाजी कर दिए, जस्ट अपोजिट उड़ाना था, 1/n-1 2 था, n-1 था, ये वाला इससे कटा, ये वाला ना अपन इसके जस्ट ऊपर वाले से कटा होगा, यहां से ये वाला कटा होगा, क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं, कौन कौन बचा आपके पास, कौन सा ये किससे कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसको इसके नीचे वाले से कटना होता, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, एक गौर करना वापस, ये 1/3 था, पूरा एक पैकेट छोड़ करके नीचे वाले में आया है तब कटा हुआ है, ये 1/4 था, इसमें नहीं दिखा, इसके नीचे वाले में दिखा, तो सोचो ये 1/n था, इसमें नहीं दिखा, इसके नीचे वाले में दिखा, यानी ये जो है 1/n-1 ये ऊपर नहीं दिखा, तो ये कहां रहा होगा, यहां, क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये वाला बच गया है, ये भी बच गया, क्लियर हुआ? तो आपके पास लिखो इनका सम कितना बचा, इनका सम बचा 1/2 को पूरे में से बाहर लो, ब्रैकेट के अंदर में देखना, 1 बचा प्लस 1/2 बचा, ठीक, फिर कौन बचा यहां पर, -1/n+1 और कौन बचा, -1/n+2 बचा, ये आपका निकल करके आया, दिस इज कॉल्ड Sn, ये आपका कौन है, Sn है, ठीक, शुरू के nth टर्म का सम है आपका Sn। भैया इसी पर लिमिट अप्लाई कर दो, नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/2, ये 1 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2 -1/n+1 -1/n+2, सहमत हो, कितना 3/4, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट, ये आपका कन्वर्जेंट हुआ, तो दिस इंप्लाइज दैट गिवन सीरीज इज आल्सो, गिवन सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट हो गया काम मेरा, समझ में आया कुछ, ऐसे ही किससे चलने हैं इसके, बस इन्हीं पर इनको आज रोक दो, फाइनली आज सीरीज की शुरुआत हो गई, समेशन।